Okay, students, now in the earlier classes we have done some various operations performed on a 2D array, and in this class and at that time I have given you some programs to do yourself as a programming practice, and now today I am going to solve that problems. So सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा था? एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. सो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो जब दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है तो ये इस तरह से होता है एडिशन. जैसे कि एक मैट्रिक्स ये है और दूसरी ये है, और इनका एडिशन मान लीजिए यहाँ पर हमको करना है, तो ये हो गया प्लस. तो ऐसे केस में यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स. ये तो अभी ये, तो जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारी ए, ये मैट्रिक्स है बी, और इनका एडिशन स्टोर हो रहा है सी के अंदर. तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है इसमें. मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. बहुत इजी है. इस मैट्रिक्स को उठा के इसके ऊपर रख दीजिए, दैट्स ऑल, एडिशन अपने आप निकल आएगा. तो इसको इसको काउंट किया हमने, इसको और इसको किया, तो ऐसे केस में आया 11. इसके बाद में फिर 2 और 11 को किया तो 13, फिर 3 और 12 को किया तो 15, इसी तरीके से अब 4 और 13 को किया तो 17, 5 और 14 को किया तो 19, 6 और 15 को किया तो 21, इसी तरीके से यहाँ से 23 और 25 एंड 36, ये इसका एडिशन हो जाएगा. तो अब इसी का प्रोग्राम जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें प्रोग्राम में सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इसका प्रोग्राम हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम साइज एंटर कर लेंगे. साइज मतलब रो और कॉलम दोनों को एंटर कर लेंगे. इसके बाद में ये स्टेप नंबर 1 था. फिर स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पे एलिमेंट्स इंसर्ट करा लेंगे. और फिर स्टेप नंबर 3 पर क्या करेंगे कि जनरेट लूप, वही रो और कॉलम का लूप जनरेट करेंगे. और फिर हम क्या करेंगे कि ए आई जे, ये आई और जे लूप कंट्रोल वेरिएबल है, ए आई जे इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, ये करते चले जाएंगे. और इसके पहले आपको ए बी सी तीन एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी यहाँ से. इसके पहले आपको ए और बी और सी तीन एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी. और इसके बाद में ये करा लिया, कराने के बाद में फिर से फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, ये फोर्थ नंबर था और ये फिफ्थ पे क्या करेंगे, फिर से लूप जनरेट कराएंगे. और सिक्स पे क्या करेंगे कि वैल्यू प्रिंट करा देंगे, मतलब प्रिंट कर देंगे, ये मतलब हमारा एरे प्रिंट हो जाएगा. ये वाला जो एरे है ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना. तो अब ये हिंट मैंने दे दिया है और आप लोग इसको कर लेंगे, और मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को करने में. तो ये हुआ एडिशन. बिल्कुल इसी तरह से सब्ट्रैक्शन होता है, ये मतलब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1-10 इज इक्वल टू -9. इस तरीके से यहाँ से 2-11 इज इक्वल टू 2
माइनस इलेवन, तो भी आया आपका 9 माइनस 9, और 3 माइनस 12 करेंगे तो भी आएगा -9। इसी तरीके से 4 माइनस 13 करेंगे तो भी आएगा -9। सब करता चला आएगा, ये -9 ही होता चला जाएगा। तो ऐसे केस में बहुत सिंपल है, सारा प्रोसेस सेम है, बस यहाँ आपको करना क्या है कि सी आई जे इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, और फिर क्या करेंगे हम लूप चला करके इसको मैट्रिक्स को प्रिंट करा देंगे। तो ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एम इन टू एन मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि टू प्रिंट द इवन एंड ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम अ मैट्रिक्स, मतलब टू प्रिंट द इवन एंड ऑड एलिमेंट्स। इन मैट्रिक्स तो अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे, एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद में फिर सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे कि साइज इंटर करेंगे, साइज ऑफ रो एंड कॉलम इंटर करेंगे, फिर क्या करेंगे मैट्रिक्स के एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे। फिर अब यहाँ से हम लोग का काम स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे जनरेट अ लूप, और फिर क्या करेंगे कि एक कंडीशन चेक करेंगे हम लोग कि इफ ए आई जे मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू 0, देन यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट इवन इवन एलिमेंट्स इस तरह से, और ये इवन एलिमेंट्स, और फिर यहाँ पे ए आई जे, और फिर एंड इज इक्वल टू, ये हो गया। मतलब इस तरह से इवन एलिमेंट प्रिंट करा देंगे, और फिर ऑड एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जनरेट अ लूप फ्रॉम 0 से लेकर के रो -1, और फिर कॉलम के लिए एक लूप चलाएंगे। इतना काम करने के बाद में फिर हम यहाँ से एक कंडीशन देंगे कि इफ ए आई जे मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट ऑड एलिमेंट्स ए आई जे एंड इक्वल टू, इस तरह से ऑड एलिमेंट प्रिंट करा देंगे। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमको टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स और टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स भी अगर प्रिंट कराने हैं, ऐसे केस में आप एक वेरिएबल मान लीजिए t1
और इसको ज़ीरो से इनिशलाइज कर दीजिए। एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए t2, और इसको भी ज़ीरो से इनिशलाइज कर दीजिए। और जैसे ही आपने ये कंडीशन चेक किया है, यहीं पर आप t1 इज़ इक्वल टू t1 प्लस 1 कर दीजिए, और इसी तरीके से यहाँ पर t2 इज़ इक्वल टू t2 प्लस 1 कर दीजिए। और फिर इस लूप की बॉडी के बाहर, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से आप इवन एलिमेंट मतलब t1 को प्रिंट करा दीजिए, और यहाँ पर आप t2 को प्रिंट करा दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स और ऑड एलिमेंट्स भी आपके प्रिंट हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम को देखते हैं। अब ये हिंट मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग को करना है खुद से। अब हम लोग देखते हैं कि टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स, टू फाइंड या प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने यहाँ से सबसे पहले इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही स्टेप्स प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, नंबर 1 पे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करिए, नंबर 2 पर क्या करेंगे साइज इंटर करिए, नंबर 3 पे क्या करेंगे एलिमेंट्स इंसर्ट कराइए, नंबर 4 पे क्या करेंगे लूप जनरेट करिए। और फिर क्या करेंगे हम लोग कि लूप के पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं मैक्स इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम के लिए मैक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि लूप के अंदर एक कंडीशन लगाई 5th नंबर पे कि इफ़ ए आई जे इज ग्रेटर देन मैक्स, ए आई जे इज ग्रेटर देन मैक्स, देन मैक्स इज इक्वल टू ए आई जे, ये ठीक है ना। और इसके बाद में 6th नंबर पे आप क्या करेंगे कि प्रिंट मैक्स को प्रिंट करा देंगे। अभी होगा क्या कि जैसे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स है हमारी कि 10, फिर है मान लीजिए 11, फिर है 12, 14, 15, 17, 18, 19 और 20। मान लीजिए ये थोड़ा सा मैट्रिक्स हमने थोड़ा इसको और ज़्यादा अनइवन कर देते हैं, मान लीजिए इसको कर देते हैं 171 और इसको कर देते हैं 141। अब ये मैट्रिक्स थोड़ा सा रैंडम हो गई, नहीं काफ़ी सिक्वेंशियल लग रही थी मैट्रिक्स। तो अभी इसके अंदर हमको मैक्स फाइंड आउट करना है। तो जब लूप जनरेट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला एलिमेंट कंसीडर होगा, रो ज़ीरोथ रो का फर्स्ट, मतलब ज़ीरोथ रो और ज़ीरोथ कॉलम का पहला एलिमेंट कंसीडर होगा। और मैक्स की वैल्यू हमने कितनी इनिशलाइज कर रखी है, 0 इनिशलाइज कर रखी है। तो क्या 10 इज़ ग्रेटर देन सॉरी सही है तो क्या कंडीशन क्या लगी है, हाँ ए आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ऐसा है, कंडीशन ट्रू है, तो ऐसे केस में ए आई जे की वैल्यू जो है वो मैक्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब मैक्स हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट चेक होगा कि अब मैक्स 0 नहीं रह गया, अब मैक्स हमारा 10 हो गया। अब चेक होगा क्या क्या 11 इज़ ग्रेटर देन 10, तो अगेन 11 इज़ ग्रेटर देन 10, तो ऐसे केस में मैक्स की वैल्यू हो गई हमारी 11। क्या 12 इज़ ग्रेटर देन 11, यस, तो ऐसे केस में मैक्स हो गया हमारा 12। क्या 145 इज़ ग्रेटर देन 12, तो ऐसे केस में कंडीशन फिट ट्रू हुई और मैक्स हो गया 141। फिर क्या 15 इज़ ग्रेटर देन 141, नो, 15 इज़ नॉट ग्रेटर देन 141, तो ऐसे केस में मैक्स रिप्लेस नहीं हुआ, मैक्स हमारा 141 ही रहा। फिर क्या 171 इज़ ग्रेटर देन 141, हाँ,
यस कंडीशन इज ट्रू, तो ऐसे केस में मैक्स फिर से रिप्लेस हो गया, 171 हो गया. क्या 18 इज ग्रेटर देन 171? नो. क्या 19 इज ग्रेटर देन 171? नो. क्या 20 इज ग्रेटर देन 171? नो. तो ऐसे केस में मैक्स की जो फाइनल वैल्यू आई हमारी 171 आई, और ऐसे केस में 171 हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे. ठीक है, तो अब इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे मिनिमम. चल लेना मिनिमम. तो अब जैसे कि मिनिमम में क्या करेंगे कि इसको बोर्ड मिटा करके दोबारा से बताते हैं. तो अभी क्या है कि मिनिमम एलिमेंट हमको फाउंड करना है. तो ऐसे केस में मान लीजिए सबसे पहले तो वही सारा स्टेप्स प्रोसेस किया जाएगा, टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट. ऐसे केस में सारे स्टेप्स वही प्रोसेस किए जाएंगे, मतलब वही सारे स्टेप्स हम लोग प्रोसेस करेंगे, और फिर लूप के बाद में फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे. अब यहाँ पर क्या है कि एक और वेरिएबल हम मान लेते हैं मिन, मिन के नाम से एक वेरिएबल मान लेते हैं, और उसको हम मान लेते हैं कि 100000 100,000 मान लेते हैं. अभी क्या है कि 100,000 से ज़्यादा वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं एरे को एंटर करते टाइम पर, मतलब प्रैक्टिकली तो वैसे भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकली दे सकते हैं. लेकिन अभी क्या है कि 100,000 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आप मैट्रिक्स को एंटर करते टाइम पे नहीं दे सकते हैं. तो मिन की वैल्यू मैंने 100,000 मान लिया, और फिर हमने क्या किया कि एक कंडीशन लगाई कि इफ़ ए आई जे इज़ लेस देन मिन, ऐसे केस में मिन इज इक्वल टू ए आई और जे, ये है. और फाइनली हम लोग क्या करेंगे कि मिन को प्रिंट करा लेंगे. मतलब इसका एक और तरीका होता है करने का, लेकिन वो अगर आप लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ी हो, अगर मैंने पढ़ाया हो उसमें, वैसे बाकी के सेक्शन में तो मैंने पढ़ाया था A1 में, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. तो सिलेक्शन सॉर्ट मेथड जो होता है 1D एरे पे जो परफॉर्म होता है, उसमें हम लोग मिनिमम एलिमेंट निकाल करके और फिर उसको चेक करते हैं कि कौन सा उसको जो है वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में रिप्लेस करते हैं. तो अभी हम जब सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ाएंगे फंक्शंस के थ्रू, तो दूसरा मेथड भी आप लोगों को बता देंगे. लेकिन अभी आप लोग, ये शॉर्ट मेथड है ये थोड़ा सा, इसमें एक एल्गोरिथम और निकलती है जो कि मिनिमम फाइंड आउट करता है. तो ऐसे केस में इसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे. अब इसमें बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए है 10 और यहाँ से 15, यहाँ से है 20, यहाँ से है 1, यहाँ है 5 और यहाँ पे है 3, यहाँ मान लीजिए है 14, यहाँ पे है 11 या 12 मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं हम 7. ठीक है, तो ऐसे केस में अब सबसे पहले कंडीशन ये चेक होगी कि क्या 10 इज़ लेस देन 100,000. यस, तो ऐसे केस में मीन हमारा हो गया 10. अब ये 15 और 10 आपस में कंपेयर करेंगे, तो क्या 15 इज़ लेस देन 10? नो. ऐसे केस में मीन हमारा 10 ही रहा. क्या 20 इज़ लेस देन 10? नो. ऐसे केस में मिन फिर से रिप्लेस नहीं हुआ. क्या 1 इज़ लेस देन 10? यस. ऐसे केस में मिन रिप्लेस होकर के कितना हो गया? 1 हो गया. क्या 5 इज़ लेस देन 1? नो. 3 इज़ लेस देन 1? नो. 14 इज़ लेस देन 1? नो. 12? नो. 7? नो. ऐसे केस में मिन की जो फाइनल वैल्यू मिली हमारी 1 मिली, और 1 यहाँ से प्रिंट हो जाएगी. ठीक है ना. अब इसी क्वेश्चन में हम सेकंड लार्जेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट भी बता देते हैं. जैसे कि आपने जब मैक्स निकाला है, तो मैक्स की वैल्यू को मैंने 0 से इनिशियलाइज करवाया, मिन जो है वो मैंने 100000 100,000 के साथ में इनिशियलाइज करवाया. तो अब आप क्या करिएगा, सेकंड लार्जेस्ट को हम एस मैक्स मान लेते हैं, एक्स मैक्स इज इक्वल टू 1 कर लीजिए, मतलब इसमें प्लस 1 कर दीजिए, और एस मिन इज इक्वल टू इसमें माइनस 1 कर दीजिए, तो ये हो गया 9999. अब क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैक्स निकालना है. सारा प्रोसेस तो आप सेम करेंगे ही करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड आउट द मैक्स, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या करेंगे कि फाइंड आउट द मिन। ये दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी प्रोग्राम में। फिर आप क्या करेंगे कि फिर से एक लूप जनरेट कराएंगे और फिर वहाँ कंडीशन लगाएंगे कि इफ ए आई जे, ए आई जे इज ग्रेटर देन एस मैक्स एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू मैक्स। ये कंडीशन आप लगाएंगे, मतलब ए आई जे की वैल्यू जो है वो सेकेंड मैक्सिमम से तो ज़्यादा रहे लेकिन मैक्सिमम के बराबर ना रहे, तो फिर ऐसे केस में फिर एस मैक्स इज इक्वल टू ए आई जे, ये आपका एस मैक्स निकल आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एस मिन भी निकालेंगे हम लोग, तो यहीं से एस मिन निकालेंगे। तो ऐसे केस में कंडीशन लगाएंगे कि ए आई, ये इफ लगा देंगे यहाँ पे, इफ ए आई जे इज लेस देन एस मिन एंड ए आई जे इज नॉट इक्वल टू मिन, बस हो गया। तो ऐसे केस में एस मिन इज इक्वल टू ए आई और जे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मिनिमम हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया, सेकंड लार्जेस्ट हो गया, और लार्जेस्ट भी निकल गया, स्मॉलेस्ट भी हो गया, टोटल नंबर ऑफ इवन एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, और इवन ऑड के साथ में एक क्वेश्चन और दिया था कि टू चेक द डिविजिबिलिटी आइदर द एलिमेंट्स आर डिविजिबल बाय 5 or 7। तो बहुत सिंपल है, एक लूप यहाँ से चलाएंगे, कंडीशन लगा दीजिएगा कि इफ, यहीं बता रहा हूँ मैं कि इफ ए आई जे मॉडलस 5 इज डबल इक्वल टू 0 और एंड ना लगा करके और लगा दीजिएगा, आइदर लिखा हुआ है ना, तो और ए आई जे मॉडलस 7 इज डबल इक्वल टू 0, ऐसे केस में ए आई जे की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिएगा कि या तो 5 से डिविजिबल हो और या तो 7 से डिविजिबल हो, मतलब 5 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए या फिर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, ऐसे केस में एलिमेंट्स को प्रिंट करा देना है, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कल दिए थे उन सबको मैंने सॉल्व करा दिया। अब आपका काम है इसको कॉपी पर ढंग से लिखना और लिखने के बाद इसको सिस्टम पे रन कराना। वैसे कोशिश करेंगे हम कि कल जूम क्लास में इसको रन करा के आप लोगों को दिखा दें। थैंक यू सो मच।